सबको मसीह यीशु के नाम से जय मसीह की। आज प्रभु यीशु मसीह के पंचवा दिन जो वो यरूशलेम में वापस आया था इस पवित्र सप्ताह में, आज के दिन कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रभु यीशु मसीह कर रहा है और उसके जीवन में हो रहे हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को भेज कर बोलता है, जाओ उस जगह में एक आदमी आपको गाइड करेगा और वो कमरा है जहाँ पे हम आज फसा के पर्व का रोटी हम खाएंगे। और दूसरी बात, वो सूर्यास्त के बाद जब वो इकट्ठे हुए तो यीशु मसीह सब के पाँव को धो देता है और सबके रोटी और प्याला देकर कहता है, ये मेरा शरीर और ये मेरा लहू है। और उसके बाद वो गेतसमनी के बगीचा में जाते हैं और यीशु मसीह प्रार्थना करता है, उसके बदन से लहू के धब्बे के जैसा पसीने छूट रहे थे और वो प्रार्थना करता है, प्रभु ये प्याला अगर हो सके तो मुझसे हटा लेना, लेकिन मेरी मर्जी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। और चौथी बात, यीशु मसीह को वहां पर बंदी बनाया जाता है और यीशु मसीह के चले एक इस्करियोती यहूदा उसको बेच देता है शत्रुओं के हाथ में और पकड़ा देता है शत्रुओं के हाथ में। और प्रभु यीशु मसीह के चला सनहेड्रिन के घर में जब यीशु मसीह को पकड़ कर लिया गया, वहां पर पतरस यीशु मसीह को 3 बार इनकार करता है। हम यहाँ पे आज क्या सीखते हैं इन घटनाओं से, कि यीशु मसीह को पता था कि क्या क्या होने वाला है और वो अपने आप को शांत रखा। उतना ही नहीं, लेकिन प्रभु ने जो शुरू किया था फसा का पर्व, उसको उसने पालन किया। ये नहीं सोचा कि यार मेरे आज बहुत ही कष्ट का दिन है, मेरा मन अभी संतुलित नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसे नहीं सोचा। उसने अपने चेलों को भेजा और बोला, एक ऐसा घर, एक आदमी आपको वहां पर लेकर जाएगा और वो ही हमारा होगा। और प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए वो अपने चेले लोगों को भी अगुवाई किया। कभी कभी हम सोचते हैं, हम तो करना चाहते हैं लेकिन कैसे होगा, कहाँ पे होगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेजने के बाद एक अनजान व्यक्ति ने उनके लिए घर तैयार कर दिया था, वैसे परमेश्वर हमारे लिए अनजान लोगों को भी खोल देगा। जहाँ पे कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होगा, वहां पे रास्ता खोल देगा। इसलिए प्रभु ने जो कहा है हमें करने के लिए, वो जरूर करना है। ये नहीं कहना कि आज मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, प्रार्थना नहीं करूंगा, आज मुझे थोड़ा काम ज्यादा हो गया, प्रार्थना नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं करना है। प्रभु ने जो हमें कहा है वो जरूर करना है प्रभु की मर्जी को। और जब वो इकट्ठे हुए, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ा नम्रता का एक नमूना दिखाया, अपने चेलों का पैर खुद धोकर। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में वो ही लोग दाखिल होंगे जो अपने आप को नम्र रखेंगे। थोड़ा सा भी घमंड हमें प्रभु के राज्य से अलग कर देगा, क्योंकि घमंड के बाद सर्वनाश आता है, लेकिन जब हम नम्र करते हैं हमें प्रभु उठाता है। हम अपने आप को देखें, हम कितना नम्र हैं आज। और तीसरी बात, कि प्रभु यीशु मसीह जब गेतसमनी बगीचा में, ये बगीचा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं गेतसमनी बगीचा है, और वहां पे जाके वो जो प्रार्थना कर रहा था, वो कहता है, प्रभु मेरी मर्जी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं हमारे दुख हटने के लिए, हमारे कष्ट हटने के लिए, हमारी बीमारी चले जाने के लिए, लेकिन कभी कभी होता नहीं है, क्योंकि प्रभु की मर्जी कुछ और है। क्या हम तैयार है प्रभु की मर्जी थोड़ा सा डिफिकल्ट होने से भी सामना करने के लिए? क्योंकि प्रभु की मर्जी फिलहाल के लिए हमें लगेगा कि बहुत ही कष्ट है, लेकिन वो हमें जय की ओर लेकर जाता है। और चौथी बात, उसके अपने चेले लोगों ने उसको धोखा दे दिया, प्रभु यीशु मसीह फिर भी गुस्सा नहीं किया। प्रभु को पहले से पता था, प्रभु ने पहले ही दोपहर को कह दिया था, पतरस तू मुझे मुर्ग बांग देने से पहले 3 बार तू मुझे इनकार करेगा। और प्रभु को पता था, और जब ये हकीकत में हो भी गया, यीशु मसीह अपने पर्पस को नहीं बदल दिया, अपने आप को गुस्सा नहीं किया, लेकिन वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ता रहा, प्रभु की मर्जी को पूरा करने में आगे बढ़ता गया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, लोग कभी कभी आपके खिलाफ उठेंगे, आपके अपने आपके विरोध में बोलेंगे, लोग का कोई भरोसा नहीं, लेकिन प्रभु पे भरोसा रखे। लोग कुछ भी करे, हम अपने प्रेम में, अपनी सेवा में, अपने जीवन में प्रभु की मर्जी पूरा करने में हम रुक ना जाए, चुक ना जाए, पीछे ना हट जाए, हम आगे बढ़े। क्या हम कर सकते हैं? हम अपने से नहीं कर सकते, हमें यीशु की सामर्थ्य चाहिए, यीशु की प्रेजेंस चाहिए और यीशु का मसीहा चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, तेरी मर्जी हमारे लिए सबसे बेहतर है। तेरी मर्जी करने के लिए हमें किसी भी बात की बहाना बनाने ना दे। हमने आज देखा कि किस तरह तू हमारे लिए रास्ता खोल देगा जब हम तेरी मर्जी के लिए चलते हैं। प्रभु जी, तेरी मर्जी को भरोसा करने के लिए हमें सहायता कर। जबकि गेतसमनी बगीचा में तेरे पसीने छूट रहे थे और तू प्रार्थना किया, तेरी मर्जी पूरी हो जाए। प्रभु जी, आज हमारे जीवन में तेरी मर्जी पे भरोसा करने के लिए, तेरी मर्जी पे चलने के लिए हमें तू शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और पूरी नम्रता के साथ जीवन बिताने के लिए तुम्हारी मदद कर। प्रभु यीशु मसीह, आज इस तरह हमें तू बना। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की मर्जी सबसे अच्छी मर्जी है, उस पे भरोसा करें, उसको फॉलो करें और उसमें चले। हम जरूर जयवंत बन के जीवन बिताएंगे।
प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत बरकत। दुख सहकर क्रूस उठाकर हमको चलना है।